फागुन महीना शुरू हो चुका है और ग्रामीण इलाकों में राजस्थान भर में फागोत्सव की धूम है। बालोतरा जिले में फागोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्रामीण इलाकों में देर रात तक डांडियों की खनक के साथ नृत्य दल का करतब देखने को मिल रहा है। आंगी बांगी की भारी भरकम पोशाक में सजे धजे गैरिये देर रात तक ढोल और चंग की थाप पर फाग गाकर नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। महिलाएं भी होली को लेकर काफी उत्साहित हैं और इनके साथ दल नूर नृत्य के साथ फाग गाकर खुशी का इजहार करती दिखाई पड़ रही है। युवकों की टोलियां चंग की थाप पर फाग गाते हुए नजर आ रहे हैं। फागुन का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण है होली के स्वागत को लेकर तैयारियां इनकी जारी है। आसुतरा गांव में हम लोग खड़े हैं इस वक्त। देर रात तक यहां इस गांव में जो गेरिये हैं आंगी बांगी ड्रेस के साथ सज धज कर देर रात तक नृत्य करते हैं और जो महिलाएँ हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेती है। लूर और फागुन के गीतों के साथ पूरा जो माहौल है वो फागुन में हो चुका है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस वो होली की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनंदाराम। अनंदाराम जी, किस तरह की तैयारियां हैं होली को लेकर? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है हमारी। ये शीतला माता सप्तमी तक एक महीना जोरदार चलेगी। शाम के टाइम में हर युवा माताएं बहनाएं बड़े बुजुर्ग सब यहां पर आएंगे देखने को और हमारी यही परंपरा है कि पूर्वजों से चली आ रही है और इसको आगे भी यही चलाने के लिए हमारी यही रियासत है। आप लोग ये तैयार होके सज धज के रात को कितने बजे तक ये जो है रोज का जो रूटीन है आपका? ये रात को 12 एक बजे तक ये लगातार चलेगा शीतला सप्तमी तक। इसमें महिलाएं वगैरह भी तो सारा किस प्रकार करती हैं? माताएं बहने वो लूर लेती है और होली के गीत गाती हैं। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश जी, पूरी किस तरह की होली की तैयारी है आप लोगों की? हमारी युवा पिंडी सब युवा है वो साथ दे रहे हैं और सबको सिखा रहे हैं छोटे बड़े को। आप लोग ये जो ड्रेस पहन के नाच के इस ड्रेस को क्या कहते हैं? ये आंगी गेर बोला जाता है इसको। तो ये चीज़ तो वर्षों से पुराने बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं, आप लोग अभी युवा है, किस तरह से इसको पहनने में परेशानी नहीं होती आप लोगों को? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वजन बहुत है, 35-40 किलो वजन उठाना पड़ता है। किस तरह से तैयारियां हैं होली के स्वागत को लेकर? होली की तैयारियां बहुत जोरदार है और खुशी ऐसे होते हैं जो होली का फंक्शन आता नहीं तो गीत वगैरह गाते हैं, लूर लेती है लुगाया और मनोरंजन होता है, माइंड फ्रेश होता है। पुरानी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती है तो अभी उजागर करना ये समय के अनुसार होता है और लोगों को पढ़ाई समय होता है, ये खेल कूद जैसे खेल की भावना होती है, जैसे गैर की आंगी से लोगों को उत्साह बढ़ते हैं और आगे भी युवा है छोटे बच्चे भी देख के वो भी तैयार होते हैं इसी वजह से। जी आप बताएं ये पूरा जो आयोजन होता है गांव की तरफ से किस प्रकार का आयोजन होता है, उसकी क्या तैयारियां कितने टाइम से आप लोग कर रहे हैं पहले से? ये सर जो आंगी गेर नृत्य के रूप में जानी जाती है और ये हमारी प्राचीन समय से मतलब कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है और ये जो यूनिफॉर्म है ये करीब करीब है जो इसके जो सारे ये डंडिये घुंघरू और पगड़ी और ये आंगी इन सभी को मिलाकर के करीब करीब ये 40 किलो वजन की हो जाती है और ये विगत कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है और इस यूनिफॉर्म को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये मतलब राजशाही से जुड़ी हुई है। यदि अपन पुराने राजा महाराजा का इतिहास देखें तो जयपुर को देखें, अगर सवाई मानसिंह जी का फोटो देखें तो उसमें इसी प्रकार की ड्रेस है जो देखने को मिलती है और ये आज से आगाज हो चुका है इस रंगारंग कार्यक्रम का और युवा नए बंदे आएंगे और यहाँ सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस होगी और होलिका दहन के दिन शाम को आसोत्रा का जो माते श्री भगवती आकाश देवी मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ नृत्य होगा और दूसरे दिन पर वहाँ होगा, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। ये जो आयोजन है ये गेर नृत्य वगैरह जो फोली फागोत्सव के हैं कितना दिन तक ये लगातार जारी रहेगा? ये सर आप मान लीजिए आज जो पंचमी है यहाँ से लगा करके होलिका दहन तक तो ये चलेगा, जो जो नजदीक आएगा पर्व वैसे वैसे ये जो युवा यहाँ पहुँचेंगे और जो यहाँ पर भी रहते हैं तो वो इस प्रकार से मतलब आयोजित करते हैं और जो बाहर से आएंगे वो भी भाग लेंगे इसमें। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप ग्रामीण है जो
प्राचीन विरासत है उसको लेकर अभी भी जो युवा है उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और पूरे महीने एक महीने तक ये फागोत्सव की तैयारी ढोल की थाप पर और चंग की थाप पर ये होली की तैयारी कर रहे हैं। अनिल वैष्णव, NDTV बालोतरा। एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। शादी की सालगिरह पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष परिवारों के साथ ठुमके लगाते नजर आए। पत्नी समेत परिवार के साथ सभी सदस्य मौजूद थे। टीकाराम जूली की बात हम कर रहे हैं। शादी की सालगिरह मनाने के लिए जयपुर के एक होटल में पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी पत्नी और टीकाराम जूली, गले में माला है और इस दौरान अपनी पत्नी के साथ गाना गाते नजर आए। सालगिरह के मौके पर जूली के गाना गाते और डांस करते वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। तेरा मेरा याराना ये गाना गाते हुए आप उन्हें सुनाई पड़ रहे हैं। जूली के साथ उनकी पत्नी भी हिस्सा लेकर इसमें गाना गा रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जूली की गाती हुई तस्वीरें वायरल हो रही। कई मौक़ों पर वो गाना गाते नजर आते हैं और उनकी तस्वीर ये वीडियो भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर महिला ने तमंचा लहराया। बताया जा रहा है कि महिला ने 20 साल से जमीन पर कब्जा कर रखा है और वही असली मालिक बनने का हकदार करी, लेकिन जब कागजों में जिसके पास असली मालिकियत है वो जब पहुंचे और निर्माण करवाने के लिए गए तो महिला ने उनसे गाली गलौज किया और तमंचा लहराते हुए उन्हें डराने लगा। मामला कोतवाली पुलिस थाने के सुभाष नगर इलाके का। जोधपुर के सूरसागर इलाके में कालूराम जी की बावड़े के पास तड़के सुबह 3:10 के आसपास एक लेपर्ड की हलचल कैद हुई है। लेपर्ड की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के मिलने के साथ ही पुलिस अनुवन विभाग के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सूरसागर इलाके में कालूराम जी की बावड़े के पास मकान में लगे CCTV में लेपर्ड जंप मारते हुए दिख रहा है। सूचना मिलने पर सुबह जल्दी टीम मौके पर पहुंची और पद छाप को देखते हुए लेपर्ड का पीछा करने के लिए जुट गई। जोधपुर के सूरसागर इलाके में देर रात को लेपर्ड का हलचल होने के साथ ही वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम लेपर्ड का पीछा कर रही है। लेपर्ड कहाँ छिपा हुआ है अभी तक पता नहीं चल पाया है। वन विभाग की टीम के अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनको सूचना मिली और उन्होंने रात से लेकर अब तक क्या क्या एफर्ट्स किए, किस तरह से जो है आपने यहाँ एफर्ट्स किए और कहाँ कहाँ जो ये लेपर्ड देखा था। ये हमें करीब 3 के लगभग हमारे जो फॉरेस्ट का कंट्रोल रूम है वहाँ सूचना मिली थी उससे कि भाई यहाँ एक लेपर्ड आया हुआ है और हम तुरंत ही घर से रवाना होकर हमारे जो मौके पर आके कंट्रोल रूम में और हमने हमारा संसाधन वगैरह लिया, गाड़ी वाड़ी ली और यहाँ मौके पर पहुँचे थे। सूरसागर एरिया में आने के बाद में पता लगा वहाँ पुलिस वाले वगैरह सब मौजूद थे, उन्होंने कुछ CCTV फुटेज बताए, उसमें हमने कंफर्म किया कि भाई लेपर्ड ही है और आगे जाके कुछ पगमार्क भी हमें मिले जहाँ जहाँ कहीं मिट्टी वगैरह थी उसमें, वो लेपर्ड तो वास्ते में है वो, लेकिन अभी आगे ऐसी स्थिति बन गई है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे ये अपने एक महादेव जी का मंदिर है लालगढ़ महादेव मंदिर, उस मंदिर के आसपास इतना बहुत ज़्यादा पत्थर और पथरीली जमीन है, सख्त जमीन है, उसके अंदर उसके फुटप्रिंट मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अमूमन यही होता है कि जब लेपर्ड आपसरी के अंदर जो नर लेपर्ड है वो टेरिटरी के चक्कर के अंदर उनके अंदर फाइट होती है और फाइटिंग के अंदर जो कमज़ोर नर होता है उसको वहाँ जगह छोड़नी पड़ती है, अन्यथा उसको जो वहाँ का जो शक्तिशाली जो लेपर्ड होता है वो मार देता है, वो अपनी जान बचा के और ऐसे जगह के अंदर भटक जाता है उसको टेरिटरी छोड़ के और जहाँ आसान शिकार या मतलब ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ मतलब उसको कोई खतरा नहीं हो दूसरे लेपर्ड से। कह सकते हैं संभावना जताई जा रही है पाली क्षेत्र से ये लेपर्ड आने की संभावना है, लेकिन देखना ये है कि वन विभाग की टीम को इसमें सफलता कब हाथ लगती है। फिलहाल कह सकते हैं रात को 3 के बाद से लगातार वन विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन ने जो इसको लेपर्ड को देखने और वापिस पकड़ने का प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए समय रहते ये लेपर्ड वन विभाग के अधिकारियों के साथ और उसको पिंजरे में कैप्चर कर सके, नहीं तो हो सकता है किसी की नुकसान की भी संभावना हो। अरुण हर्ष, NDTV राजस्थान, जोधपुर।
भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय सहारन श्रीगंगानगर पहुंचे। मयूर स्कूल में उनका जोरदार स्वागत हुआ। सहारन ने स्कूल के बच्चों को मोटिवेशनल टिप्स दिए। बताया कि इंसान को खुद से मोटिवेट होना चाहिए, लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। स्कूल के एमडी ने कहा कि सहारन के पिता संजीव सहारन बीसीसीआई के लेवल 1 के कोच हैं और सहारन को भी उन्होंने ही कोचिंग दी है। तो जब स्कूल पहुंचे सहारन तो उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट जगत के उभरते हुए सितारे की। क्रिकेट की अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन उदय सहारन की हाल ही में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलकर वापस भारत आ चुके हैं और अब श्री गंगानगर में हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में। उदय जी, आपने भारत का नाम रोशन किया, अंडर 19 क्रिकेट की कैप्टनशिप की, फाइनल खेला, किस तरह से देखते हैं जो आपकी क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई? पहली बात तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि छोटे होते से इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और इवन मैं तो लीड कर रहा था टीम को, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे पेरेंट्स के लिए। मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स ने, बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा दीदी सब ने बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही, छोटे होते से ही सब मेहनत करते आए हैं कि हमारा बच्चा आगे खेले और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हर बच्चे की वही ड्रीम होती है। तो वो देख के फुलफिल करना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे पेरेंट्स को, और मैं अपनी कंट्री को प्राउड कर पाया, सबसे बड़ी बात यही थी मेरे लिए, और मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड कर पाया, बस मैं यही चाहता था। आपके जो पिता हैं संजीव सहारन, आपके क्रिकेट की जर्नी है उनके अंदर काफ़ी बड़ा रोल रहा है, किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। कोच भी मेरे ही हैं, पापा भी यही हैं, तो बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। दोनों चीज़ें संभालना, पहली बात तो बहुत मुश्किल बात है कि एक तरफ कोचिंग भी संभालनी है और एक तरफ यू नो पापा भी बनना है। दोनों चीज़ें संभालना, जितना बड़ा इन्होंने काम किया है ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से भी निभाया है, बहुत तभी मैं इंडिया तक खेला। जब आपने क्रिकेट शुरू किया उस क्रिकेट के ग्राउंड से साउथ अफ्रीका का क्रिकेट का ग्राउंड, ये लंबा एक सफ़र तय किया आपने, किस तरह से देखते हैं उसको, किस तरह के उतार चढ़ाव रहे? बहुत बहुत उतार चढ़ाव थे। बहुत मैंने शुरू से बहुत यही सोच के चला था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, अपने फादर को, अपनी कंट्री को, अपनी फैमिली को प्राउड करना है, बस मैं यही सोच के चल रहा था। उतार चढ़ाव और यू नो ये तो जर्नी है क्रिकेट के बीच में, फील्ड तक की सब कुछ, ये तो जर्नी है, ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन यू नो इसी में तो मज़ा है कि ऊपर नीचे हो रहा है और फिर भी आप अगर अपनी कंट्री तक पहुंच रहे हो और प्राउड कर रहे हो उसे, तो यही बड़ी बात। फाइनल आपने खेला, हम जीत नहीं पाए लेकिन एक अनुभव अच्छे रहे होंगे। फाइनल खेलने से पहले, या यूँ कहें कि इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने से पहले और आज के उदय सहारन में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? मैं ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि इंसान तो मैं अभी भी वही हूँ और मेरे को अभी भी वैसे ही रहना पसंद है जैसे मैं पहले था। लेवल पे खेल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि अब हमारा यह है कि अब सीनियर के लिए खेलें, और सीनियर के लिए खेलते हुए हम एक बार फिर वही जो वर्ल्ड कप ने में हमने वो अचीवमेंट हासिल किया कि हम वर्ल्ड कप जो इस बार नहीं उठा पाए, नेक्स्ट सीनियर वर्ल्ड कप हम उठा के घर पर लेके आए। अब देखना होगा कि कब जो श्रीगंगानगर का जो ये युवा है कब भारत की सीनियर टीम में जाता है। कुलदीप गोयल, NDTV, श्रीगंगानगर।